आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है केपलर स्विच लॉ, एरिया लॉ। ओके द फिगर शोस सेकंड लॉ, ओके एरिया लॉ और सेकंड लॉ। द फिगर शोस एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट एम अबाउट द सन। द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी। क्या है, एरिया ऑफ एस सी डी दैट इक्वल टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एस ए बी। इफ टी वन इज द टाइम फॉर प्लैनेट टू मूव सी टू डी मीन्स एस सी डी, इसका जो एरिया है वो है टी वन, मान इसका जो टाइम है टी वन, एंड सी टू ए टू बी, ए टू मूव बी, बी को ए टू बी को जो मूवमेंट है इसका जो टाइम है टी टू। एंड ये पूछा गया है कि टी वन टी टू का रिलेशन बताओ, टी वन टी टू का रिलेशन बताओ, ये हमें पूछा गया है। तो आंसर देखो, केप्लर सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, केप्लर सेकेंड लॉ बोल रहा है कि ए बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए बाई टी कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट नहीं कि टी कॉन्स्टेंट नहीं, ए बाई टी इज कॉन्स्टेंट। दैट मतलब, इसका मतलब इस एरिया बाय इसका जो टाइम टी वन ये कॉन्स्टेंट होगा, इक्वल टू इस एरिया इसका जो टाइम बाय टाइम ये सेम होगा इसके साथ। तो मैं ये लिख सकता हूं, तो a बाई टी कॉन्स्टेंट मतलब a1 वन बाई टी वन दैट इक्वल टू ए टू बाई टी टू दैट इक्वल टू सच दिस। तो इसका a1 मैंने किसका ले लिया, एरिया ऑफ एस सी डी, एरिया ऑफ एस सी डी बाई टी वन दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए एस बी, ओके बाई और एस ए बी जो भी ले सकता हूं, एरिया ऑफ एस ए बी बाई टी टू। ओके तो एस सी डी इक्वल टू मुझे पता है टू इंटू एस ए बी, दैट इक्वल टू दैट इंप्लाइज ए टू इंटू area of SAB by T1 that equal to area of SAB by T2। तो इसका एरिया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, T by T1 equal to 1 by T2, हाँ कि नहीं। तो T1 equal to क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि T1 cross multiplication करो, cross multiplication, तो T1 equal to 2T2, क्या हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है बट एक आंसर, एक लाइन में आंसर होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। A particle of mass m is thrown upward from the surface of the earth. जिस object को throw करने जा रहा हूं उसका जो mass है small m, with velocity u, throw कर रहा हूं उसका जो velocity है क्या है, u है। The mass and the radius of earth are respectively, capital M है mass of earth, radius से earth का, and g है gravitational constant, and g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth. The minimum value of u so that particle doesn't return back to the earth. ये जो u velocity मैंने जो throw किया, मैं इतना velocity में throw किया कि object एक return में नहीं आ रहा है, object return में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो u है, ये u क्या है, escape velocity है। ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं आ रहा है इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट कुछ प्लैनेट के तरफ मूव हो रहा है इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो
यहां पर जो दिया क्या है, वीई पूछा गया है दैट इक्वल टू यू, हमारा फॉर्मूला पता है रूट टू जी एम बाई आर, और एक फॉर्मूला पता है रूट टू जी आर। जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लो, ये ऑप्शन है इसको करेक्ट कर लो। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, मेडिकल में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछ रहा है? देखो बहुत इजी, बहुत इजी है, रेशियो ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझाओ मुझे, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वी नॉट हमें पता है रूट जी आर, है कि नहीं, और क्या है रूट जी एम बाई आर, है कि नहीं, तो वी नॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी एम बाई आर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ स्मॉल एम दैट मीन्स मास ऑफ सैटेलाइट इनटू दिस कैपिटल जी कैपिटल एम दैट मीन्स मास ऑफ अर्थ बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसमें क्या जानकारी होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। माइनस से यहाँ पर तो साइन नहीं दिया है ना, कुछ कहाँ पर भी ऑप्शन में साइन नहीं दिया है, तो माइनस क्यों डालना है हमें। ओके, तो ये तीनों के कैंसिल हो गया, आर के साथ कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आ गया 1/2। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा गड़बड़ होगा, ये थोड़ा अच्छे से देखो क्या दिया है। एक्सपेरिकल, देखो क्वेश्चन पहले बोल लो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विद डिस्टेंस आर ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल दिया है, किसका किसका रिलेशन पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड विथ व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड विथ रेडियस आर। तो मैंने बताया कि सेल के लिए, थीन सेल के लिए क्या बताया था, थीन सेल के लिए पोटेंशियल बताया था, थीन सेल के लिए क्या बताया था पोटेंशियल मैंने बताया था, जो पोटेंशियल मैंने बताया था थीन सेल के लिए, देखो ये कौन सा ऑप्शन है रे भाई, हाँ हाँ देखो, जो मैंने थीन सेल के लिए जो पोटेंशियल बताया था आपको, क्या बताया था पोटेंशियल क्या होता है, थीन सेल के लिए पोटेंशियल क्या होता है, तो माइनस जी एम बाय आर क्या होता है, कुछ दूरी पर, माइनस ये जो सेल है तो इस डिस्टेंस पर सरफेस पर माइनस जी एम बाय ए, इनसाइड पर माइनस जी एम बाय ए, हाँ कि नहीं। बट यहां पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर इंटू आर के। ओके देखो ये, हाँ ये जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल था एट डिस्टेंस आर, ये था एट सरफेस, ये था इनर साइड, फील्ड जो है माइनस डीवी बाई डी आर ऑफ आर के, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे उसके बाद ग्राफ को देखेंगे। तो वी एट आउटर डिस्टेंस आर था हमारा, क्या था ये था, तो फील्ड एट आउटर डिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर आर के, तो क्या हो जाएगा माइनस d बाई डी आर ऑफ v, क्या है माइनस जी एम बाई आर इंटू आर के,
तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वेर आर के पाएगा कि नहीं, माइनस जी एम बाई आर स्क्वेर आर के। तो ये आउटर डिस्टेंस के लिए ये इतना आ गया क्या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एट सरफेस, फील्ड एट सरफेस डी बाई डी आर ऑफ भी, भी मतलब क्या है सरफेस पर भी, की माइनस जी एम बाई ए इंटू आर के। तो अब मुझे बताओ ए क्या है, रेडियस से जो कि कॉन्स्टेंट है, जी क्या है कॉन्स्टेंट है, एम का क्या है कॉन्स्टेंट है, तो एक कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड इनर पॉइंट में, इनर पॉइंट में फिर से, इनर पॉइंट के लिए फिर से क्या होगा डी बाई डी आर ऑफ इसका डेरिवेटिव, इनर पॉइंट के लिए क्या है फील्ड माइनस जी एम बाई ए, डेरिवेटिव ऑफ माइनस जी एम बाई ए, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रेडियस सरफेस पर फील्ड जीरो है, इनसाइड द सरफेस फील्ड जीरो है, आउटर ऑफ द सरफेस फील्ड दिस है। तो मुझे बताओ कौन सा ग्राफ दिया है, देखो कौन सा ग्राफ दिया है, पहला ग्राफ जो देखो क्या है, ये है ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, या ये है सरफेस पर, ये है ओरिजिन पर, ये है ओरिजिन से सरफेस के बीच पर। तो यहां पर क्या दिया है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, नहीं फील्ड तो जीरो है यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर फील्ड जीरो दिया है ओरिजिन टू सरफेस के अंदर, एंड सरफेस के बाद ये क्या हो रहा है, फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ओके इतना याद रखे तो रखना है तो रखो, नहीं तो और क्या याद रखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट आउटर ऑफ सरफेस दैट इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर आर के, एंड इनसाइड एंड सरफेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दैट इक्वल टू जीरो, फॉर व्हाट, फॉर थिन स्फेरिकल शेल, फॉर व्हाट, फॉर थिन स्फेरिकल शेल। ओके नेक्स्ट, ए प्लैनेट मूविंग अलोन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस आर वन एंड फार्देस्ट वे अवे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर टू इफ वी वन एंड वी टू आर द लिनियर वेलोसिटीज एट दिस पॉइंट रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ वी वन बाई वी टू इच। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हमें सेकेंड लॉ में ये बताया गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल एरिया कांस्टेंट है, दैट मींस डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट है, दैट इक्वल टू एल बाई टू एम है इक्वल टू कांस्टेंट। एल क्या है, एल है एंगुलर वेलोसिटी, एम क्या है मास ऑफ प्लैनेट, सन के तरफ एक चार, सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव हो रहा है, तो केप्लर सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, एल बाई टू एम कॉन्स्टेंट। तो मास तो कॉन्स्टेंट होगा एक मास एक प्लैनेट के लिए, क्यों यहाँ पर दिया है ए प्लैनेट, तो एक ही प्लैनेट देखो ऐसे है, ये एक स्फेरिकल ऑर्बिट है, ये सन है, तो यहाँ पर दूरी पर जो प्लैनेट है वो एक कंडीशन में डिस्टेंस आर वन में था एंड वेलोसिटी वी वन में था, एंड दूसरे कंडीशन में यही प्लैनेट जो कि आर टू डिस्टेंस में था एंड वेलोसिटी वी टू था, तो यहाँ पर वी वन वी टू का रेशियो पूछा गया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम प्लैनेट है, बस टाइमिंग अलग है, ये टी वन टाइम पर इस कंडीशन में था, ये टी टू टाइम पर इस कंडीशन में था, तो सेम प्लैनेट है तो मास सेम होगा, तो 2m सेम होगा, तो 2m कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं l कांस्टेंट, l कांस्टेंट मतलब l1 इक्वल टू l2, एंड l1 का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब m1 v1 r1 दैट इक्वल टू m2 v2 r2, है कि नहीं,
तो M1 M2 क्या है, सेम प्लैनेट है, इसलिए M1 इक्वल टू M2, तो M1 M2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, V1 R1 दैट इक्वल टू V2 R2, तो V1 बाई V2 इक्वल टू R2 क्या दिया है यहाँ पर, स्मॉल R2 दिया है, R1 क्या दिया है, स्मॉल R1, तो आंसर क्या हो जाएगा दिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ। चलो देखो ये सही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है रिपीट हो गया, ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, वहां पर माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन नहीं। ओके कुछ नहीं है, ये प्रीवियस मैंने एक पहले दो क्वेश्चन में ये था, क्या था, एक स्फेरिकल सेल था जिसका मास एम है, सेंटर में मास पार्टिकल एम है, मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जिसका रेडियस है ए एंड इसका जो डिस्टेंस है ए बाई टू, मैंने पहले निकाला था जिसका आंसर आया था -3gm/a, तो माइनस किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड लेकर इसको करेक्ट बोल सकता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था टोटल ग्रेविटेशन का दो कंप्लीट वीडियो ऑफ नीट रिगार्डिंग ऑल कॉन्सेप्ट, तो इसी कॉन्सेप्ट को पहले कैचअप करो, उसके बाद दूसरी थ्योरी की तरफ जाओ, किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी एग्जाम को देने से पहले पहले उसका क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहला टारगेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है। ओके थैंक यू।